so finally inside the tree. Oh, मतलब भूत प्रेत का साया पड़ता है। तो अभी हम लोग थर्ड दरगाह पर आए, हम लोग ने अंदर जाकर इन्फॉर्मेशन ले ली और अंदर देख के बाद इवनिंग में 5:30 तक यहाँ पर लास्ट होता है। अच्छा है सीनरी यहाँ का, बहुत एंजॉयमेंट भी हो रहा है। तो मैं आपको मैं आपको ये चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज यहाँ पर जो फ्लावर्स है बहुत ही अच्छी प्लांटेशन है, यहाँ पर सीनरी बहुत अच्छी है। यहाँ पर फीली हूँ यहाँ पर। तो वो अंकल जो है वहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे हैं बहुत। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? फाइनली आप देख सकते हो बैकग्राउंड में मैं आज खड़ी हूँ CST स्टेशन पे, जा रही हूँ कहीं। मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, पहुँच के आपको बताऊँगी कि मैं फ़ाइनली कहाँ जा रही हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं आपको भी दिखाऊँगी, हम भी घूमेंगे, मस्ती करेंगे, इन्जॉय करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, अच्छे अच्छे मोटिवेट करना मुझे। तो चलिए मिलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पर। सो फाइनली इनसाइड द ट्रेन। बाहर का बैकग्राउंड आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत प्यारी वाली सीट मिली है मुझे, विंडो वाली, जो कि मैं सारी सीनरी इन्जॉय करने वाली हूँ और बहुत मज़ा आने वाला है। आप एंड तक वीडियो देखना, आपको भी मज़ा आएगा और बाद में आपको बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा कि मैं कहाँ आई हूँ। तो चलिए बने रहिए। औरंगाबाद। तो हम औरंगाबाद इसलिए आए क्योंकि हम यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे वीडियो में, चलते हैं। सो फाइनली मैं निकल चुकी हूँ अभी, क्योंकि रात में मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। रात में करीबन हम लोग 11 या 11:30, 12 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मुझे बहुत हेडेक हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। अभी फाइनली हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ की दरगाह एक्सप्लोर करा दूँ, बिकॉज मैंने सुना है कि खुल्दाबाद में, अभी फ़िलहाल मैं खुल्दाबाद में हूँ, और मैंने सुना है कि खुल्दाबाद में कम से कम 1400 दरगाह है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि घूम के आते हैं, थोड़ा आपको भी दिखाते हैं, हम भी एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, चलते हैं आपको भी घुमाते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं दरगाह देखूंगी, आके आपको भी दिखाऊंगी। सो मैं एक दरगाह पहुँची हूँ। अब मैंने आपसे कहा था कि 1400 दरगाह है यहाँ पर, मैं सारी तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा दूर दूर है और बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है, मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मैं जहाँ जहाँ आऊँगी आपको उसका इन्फॉर्मेशन दूँगी उस दरगाह के बारे में। तो अभी हम फ़िलहाल पहुँचे हैं गंजरावा साहब की दरगाह पर। तो चलिए देखते हैं अंदर, बात करते हैं वहाँ से भी, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं किस बारे में है दरगाह, क्या है उसका रीज़न। खादिम साहब आपका नाम बताएंगे? मोहम्मद समीर मुजावर, गुलाम मोहम्मद मुजावर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे पूछना था कि आप सरकार की कुछ तारीफ़ कीजिए, मतलब कब आए थे सरकार यहाँ पर
कब क्या हुआ, तो मुझे उसकी थोड़ी सी आप जानकारी दे दीजिए। आपका नाम है हजरत शेख शाह जलालुद्दीन गंजेरवा सहरवर्दी, आप खरकान के रहने वाले, आपके पीर मुर्शिद ने एक आसे के झाड़ की लकड़ी दी थी। ये आसे के झाड़ की लकड़ी जहाँ पर भी हरी हो जाएंगी, आपका मुकाम वहीं पर हो जाएगा, आपके पीर मुर्शिद ने कहे थे। आप चलते गए इबादत करते गए, चलते गए इबादत करते गए, ये आसे के झाड़ की लकड़ी हरी नहीं हुई। आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आके इबादत की, फजर की नमाज अदा की, देखा तो यह आसे के झाड़ की लकड़ी हरी हो गई, तो आपका मुकाम यहीं पर हो गया। यह आसे के झाड़ की करामत यह है कि यह आसे का झाड़ 900 साल पुराना है, अंदर से पूरा खाली है, ऊपर से सिर्फ इसके पत्ते हरे हैं। यहाँ पे जिनको औलाद नहीं होती तो औलाद के लिए यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और औलाद के लिए यहाँ से फल ले आते हैं। आप यहाँ पे जैसे ज़ारत के लिए आए, ज़ारत के लिए यहाँ पे हिजड़े लोग भी आए थे, यहाँ पे आके मजाक उड़ाया और कहा कि ये फल से औलाद नहीं होती, तो उनको भी यहीं पे बिठा के एक फल खिला दिया गया। 8 महीने के बाद हिजड़े को भी औलाद हुई। यहाँ पर हिजड़े की भी मज़ार है और उनके बच्चे की भी मज़ार है। नीचे परियों का तालाब है, परियों के तालाब में जिसके अंग में भूत पलित असरात रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आके पांच जुमरात आके नहाते हैं, इंशाल्लाह खत्म हो जाते हैं। मुझे बताएंगे ये झाड़ है आसे का? हाँ, ये आसे का झाड़ है जो आपके पीर मुर्शिद हजरत शेख शाहबुद्दीन उमर सरदी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको दिए थे। ये आसे का झाड़ है आपके पीर मुर्शिद ने दिए थे कि जहाँ पर भी हरा हो जाएगा तो आपका मुकाम वहीं पर हो जाएगा करके। तो आप दखन के अंदर जब आए तो सबसे पहले बुजुर्ग है आप दखन के, तो ये आपने आसा जहाँ पर भी रात होती थी तो इसी को गाड़ देते थे और नहीं हरा होता तो आगे बढ़ जाते। ऐसा करते करते आप इंडिया में आए, इंडिया में आए बाद दक्कन में आए, दक्कन में आए बाद खुलदवाई शरीफ में आए, यहीं पे ये आसे का झाड़ हरा होया। तो ये 900 साल पुराना है झाड़ है, अंदर से आप देखेंगे तो ये पूरा खाली है और इसके पत्ते ऊपर से पूरे हरे हैं। आप देखो ऐसा अंदर से पूरा खाली है। ये हिजड़े की मज़ार है और ये उनके बच्चों की मज़ार है। और ये परियों का तालाब सामने से दिखता है, जैसा म्याच का ग्राउंड रहता ना अपना, वैसा सेम पत्थरों के अंदर पूरी सीढ़ियाँ वैसी स्टेडियम की ऐसी बनी हुई है। आप आगे भी जाके तो इसे हम परियों का तालाब कहते हैं जी। तो जज़ाकअल्लाह, आपने हम लोगों को गाइड किया, आपने इतना अच्छा बताया, सो थैंक यू सो मच। चलिए, जैसे आपने देखा, अगर आपको ज़ारत करनी है, आपकी कोई भी मन्नत मुरादे हैं तो आप आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ सारी मिल जाएगी। हम सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो नहीं बता सकते।